हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपना यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों आज हम बात करने वाला एक नवीन जानकारी है जो है शाला दर्पण से संबंधित। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, अगर पहले से कर रखा है बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, वो है शाला दर्पण से संबंधित। तो शाला दर्पण पर जो हमें दिक्कत आती है, समस्या आती है, या ऑनलाइन जितने भी हम काम करते हैं उसमें जो हमारी समस्या है, तो उस समस्या का समाधान अब शीघ्र ही हो जाएगा। तो कैसे होगा, किस प्रकार होगा, वो इस न्यूज़ से हम समझते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, आपको दिखा देते हैं शाला दर्पण पर लिखने होंगे आपको 3 कोड, यानी कि अगर वो कोई हमारी समस्या है तो उसके लिए अब उसका शीघ्र ही समाधान हो जाएगा और कोड से होगा हमारा समाधान। तो कैसे है, तो प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों के लिए अच्छी खबर है, अब उन्हें किसी भी प्रकार का कोई पत्राचार विभाग से करना है तो वे तुरंत कर सकेंगे। इसके लिए क्या होगा कि शाला दर्पण पोर्टल का हमें उपयोग करना होगा। तो शाला दर्पण पर जल्द ही ये अपडेट आने वाला है। यदि पोर्टल से संबंधित कोई भी समस्या अगर हमें है तो संस्था प्रधान को शाला दर्पण प्रकोष्ठ और माध्यमिक निदेशालय पोर्टल पर 3 कोड भरने होंगे, और इन कोड को भरने के बाद स्कूलों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, तो तुरंत उनकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। हर स्कूल को यही स्टेप अपनाने होंगे अगर किसी भी प्रकार की उनकी समस्या है। इसके अलावा कार्मिकों स्वयं की कोई समस्या बतानी होगी तो उसे अपना कोड भी बताना होगा। स्कूल को अपनी समस्या बताने के लिए शाला दर्पण पर NIC जो कोड है, UDISE कोड है, IFMS कोड है, वो सब जो कोड होते हैं जो ज़रूरी होते हैं हमारे लिए, जिसमें ऑफिस ID होगा उसको भी बताना होगा, ये हमें कोड बताने होंगे। इसके साथ ही मुख्य रूप से एक बार फिर से सुन ले, स्कूल को अपनी समस्या बताने के लिए शाला दर्पण पर एक तो NIC कोड, एक होता है UDISE कोड और एक IFMS कोड होगा जिसमें ऑफिस ID होती है, वो हमें बताना होगा। इन कोड के बाद पोर्टल पर स्कूल की जो समस्या है तुरंत पकड़ में आ जाएगी कि वर्तमान में आपके स्कूल में क्या समस्या है, या पोर्टल की जो क्या समस्या है वो पता चल जाएगा। साथ ही कार्मिक से संबंधित समस्या होने पर एम्प्लॉय ID भी लिखनी होगी। अगर किसी पर्टिकुलर कार्मिक की कोई समस्या है ऑनलाइन संबंधित, तो उसकी हमें ID भी डालनी होगी, जैसे NIC ID कहते हैं। हरेक पत्र में संबंधित संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर लिखने होंगे। साथ ही ध्यान दें, अगर कोई समस्या का हमें समाधान करना है तो उससे संबंधित जो संस्था प्रधान है विद्यालय के, उनके मोबाइल नंबर लिखने होंगे, जिससे संबंधित अधिकारी आवश्यकता होने पर बात भी कर सकते हैं। इसके बाद ही साथ ही स्कूल के शाला दर्पण प्रभारी का नंबर लिखना होगा। साथ ही जो हमारा शाला दर्पण प्रभारी है हमारे विद्यालय का, उसके भी नंबर लिखने होंगे। तो इस तरह से अब शाला दर्पण पर जल्द ही ये अपडेट आने वाला है, जिसमें क्या होगा कि शाला दर्पण पर हमारी समस्या का समाधान शीघ्र हो जाएगा। जैसे ही हम ये कोड डालेंगे 3 कोड, तो हमारी समस्या सीधे वहाँ फॉरवर्ड हो जाएगी और सीधे इसको जो है समस्या का जो भी है वो समाधान, उचित समाधान हमें बताया जाएगा। तो अच्छी खबर है शाला दर्पण से संबंधित, ये नवीन अपडेट है। एक और बात कर लेते हैं, हमारे शिक्षक साथियों से संबंधित है, जो अच्छी बात है, जो आदेश जारी हो चुका है वो ये है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा एक नवीन आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें जो हमारे शिक्षक साथी हैं जो राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हैं, अब उनके लिए निःशुल्क यात्रा का प्रावधान कर दिया गया है। यानी पहले ये छूट 50% हुआ करती थी, अब इसे 100% छूट में बदला गया है। तो इससे जो हमारे राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने वाले शिक्षक हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि अब उन्हें रोडवेज बसों में, यानी कि सरकारी जो बसें चलती हैं उनमें बिल्कुल ही निःशुल्क यात्रा की जाएगी। निःशुल्क यात्रा है तो टिकट भी जारी किया जाएगा उन्हें, और ये पूरी तरह से निःशुल्क होगी, 100% छूट का प्रावधान कर दिया गया है। तो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक जो सम्मानित होते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में अब वो निःशुल्क यात्रा कर पाएंगे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में। आशा है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल ई टीचर।